कल के चैंपियंस को मेरा नमस्ते, क्योंकि तुम सभी कल चैंपियन बनने वाले हो। समय, एफर्ट, मेहनत, कोशिश सब लगता है, पर अगर उसमें आप करने का ठान लेते हो तो असंभव नहीं है। एक चीज होती है इंटेग्रिटी। एक चैंपियन को सबसे पहले अपने अंदर इस क्वालिटी को लाना चाहिए, क्योंकि इंटेग्रिटी ही वो चीज है जो तुम्हें कल कुछ बना सकती है। क्या होती है इंटेग्रिटी? एक सिंपल डेफिनेशन ये है दैट द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल्स दैट यू रिफ्यूज टू चेंज। आसान भाषा में समझते हैं, यानी कि जो भी आप काम करते हैं उसके लिए आप लगातार ईमानदार होते हैं, और जो भी आप प्रिंसिपल्स उसके बारे में बनाते हैं उनको आप कभी बदलते ही नहीं है। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अंत तक आप इसके बारे में सब कुछ जान लोगे। ये एक ऐसा आचरण या सोच है जिसकी वजह से आपकी इज्जत की जा सके। मतलब काम करना, मेहनत करना, जब कोई भी ना हो, खुद से बिना झूठ बोले, ये आपकी ऑनेस्टी है। लेकिन सच में ऐसा हर बार करना इंटेग्रिटी है। जो लोग ईमानदार हैं लेकिन जिनमें इंटेग्रिटी नहीं है वे सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे। दूसरी तरफ विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग हैं जो एक मामूली बैकग्राउंड से आते हुए भी इतने बड़े लेवल का कुछ करके दिखा देते हैं कि यकीन कर पाना मुश्किल है। तो यह सब संभव कैसे हो पाता है? यह सब संभव इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर एक क्वालिटी है, और वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी वो मेंटल स्टेट है जिससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जुड़ा होता है, क्योंकि सबसे पहले आप खुद अपने अंदर अपने सिद्धांतों पर चलने की शक्ति को महसूस करते हो, फिर उस चीज को लोग भी महसूस कर पाते हैं। साफ शब्दों में कहें तो आप सिर्फ एक दिन मेहनत कर सकते हो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, या अगर सुबह 6 बजे उठना है और उठते ही कुछ कठिन काम करना है, और ये वही कठिन काम है जो आप रात में करते हुए सोए थे, तो स्वाभाविक है कि आप बोर होंगे, पर फिर भी सुबह उठकर उस काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करना इंटीग्रिटी है। और इसे सिर्फ एक सुबह नहीं, हर रोज करना, तब तक जब तक कि तुम उसमें कुछ अचीव नहीं कर लेते। और ये सबके लिए आप जिम्मेदार हैं। कभी बाहर 100% आइडियल कंडीशंस नहीं होंगी। जो भी काम करना होगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ये सोच आपकी इंटेग्रिटी का बीज है। पता है कि इंटेग्रिटी से लोग ना चाहते हुए भी आकर्षित होते हैं। हाई स्कूल में जब कोबे ब्रांट सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करने जाते थे तो पूरे स्पोर्ट हॉल में अकेले होते थे। कभी अकेले प्रैक्टिस करते या वहाँ सफाई कर्मचारी या किसी और के साथ ट्रेनिंग करते, फिर उनके रेगुलर एक्शन देखकर कोच भी जल्दी आकर उन्हें अलग से ट्रेनिंग देने लगे। जब आप अपने काम के लिए, अपने सपने पर इंटेग्रिटी के साथ काम करोगे ना, तो भले ही कुछ दिन किसी को दिखाई ना दे, पर कुछ समय बाद वो अपने आप दिखाई देने लगेगा। जब भी हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करके बिना देरी के एक्शन लेते हैं तो हम अपनी इंटेग्रिटी रिस्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि सुबह से शाम तक कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करना दिमाग को तेज रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, पर अगर एक शाम छूट गया तो हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, या इग्नोर नहीं करेंगे कि चलो भाई कोई बात नहीं कल देखेंगे। हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि यह किसी मेंटल स्टेट जैसे कि आलस या टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से हुआ है। तो हमें तुरंत ये पक्का करना होगा कि किसी भी हाल में ये कल नहीं होना चाहिए, या दोबारा ये चीज़ ना हो। इसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं हमें उसे करना होगा। जब हम कुछ दिन रूटीन फॉलो करते हैं ना, अपने प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं रोक सकता। मतलब रुकावट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो बस जब भी ब्रेक लगे हमें उससे तुरंत निकलना होगा। देखो कि रोज कितने काम छूटते हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए आपने कुछ प्लान्स बनाए होंगे कि मुझे ये करना है, हर दिन ये सारे टास्क करने हैं। और जिस दिन आप सारे काम करते हो उस दिन आपकी एनर्जी अलग लेवल की होती है। आप सेटिस्फाई होते हो उस दिन से कि हाँ आज कुछ किया है। तो अगर वो चीज रोज कर ली जाए तो दोस्त कमाल हो सकता है। तो सबसे पहले देखो कि किस वजह से आपकी वो सारे टास्क रोज नहीं हो पाते हैं, और उसका सलूशन निकालो। और जब भी आप रोज अपने सारे काम करने लगोगे, रोज लगातार करोगे, तब आप समझ पाओगे कि पावर ऑफ इंटेग्रिटी क्या है। उसकी ताकत का अंदाजा आपको तब होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। बी हैप्पी, बी कूल, बाय।